ये आप देख रहे हैं वाराणसी जाने के लिए रिंग रोड से काफी आकर्षक पेंटिंग। ये चले जाएगा सीधे आपका इस तरफ ग्रेट फैसिलिटी सेंटर की तरफ। ये आप देख रहे हैं ये सीधे चले जाएगा आपका हरहुआ के लिए और बाबतपुर एयरपोर्ट यहाँ से आपका 23 किलोमीटर दूर है और इस ये आपका रिंग रोड है फेस वन और इसी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो इस रिंग रोड के किनारे काफ़ी आकर्षक ये सजावट के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। ये आप देख रहे हैं ये सभी रिंग रोड के किनारे जगह जगह लगाए जाएंगे। ये सारनाथ के पहले रिंग रोड है, ये आगे की तरफ चले जाएगा सीधे आपका बाबतपुर के लिए। तो चलिए इस मार्ग में क्या अपडेट है G20 सम्मेलन का उसे मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे पीछे चला जाएगा ये मार्ग आजमगढ़ और आगे जैसा आप देख रहे हैं जौनपुर 62 किलोमीटर आगे की तरफ ये आप देख रहे हैं 250 मीटर आगे वाराणसी है, बाएं तरफ आजमगढ़ लखनऊ और हम चल रहे हैं बाबतपुर तक। बाबतपुर तक कैसी तैयारी है G20 सम्मेलन की वो मैं रास्ते भर आपको दिखाऊंगा। देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार की पेंटिंग की गई है। ये सीधे चले जाएगा आपका वाराणसी के लिए। चलिए इस मार्ग का भी मैं आपको दिखाऊं नीचे से, ये सभी दृश्य आप देख रहे हैं रिंग रोड फेस वन और फेस टू के भाग पर जहाँ पर अभी फिलहाल इस तरफ पेंटिंग बाकी है। इस चौराहे पर खास करके काफ़ी सजावट की जा रही है। चलिए आगे बाबतपुर चलते हैं आपको लेके। ये आप देख रहे हैं ये मार्ग सीधे आगे चल जाएगा आपका वाराणसी के लिए और इसी मार्ग के दूसरी तरफ ये आपका चले जाएगा बाबतपुर के लिए। ये आप देख रहे हैं ऊपर से बाबतपुर जाने के लिए नेशनल हाईवे जौनपुर, वाराणसी से जौनपुर जाने का मार्ग है और एक तरफ आप देखेंगे तो ये चौराहा जो आगे चले जाएगा आपका आजमगढ़ बलिया। आकर्षक बुद्ध की प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है चौराहे पर और इसी मार्ग से आगे की तरफ PFC सेंटर के लिए विदेशी मेहमान जाएंगे। वाराणसी बाईपास फेस वन में आपका स्वागत है। जैसा कि सामने आप देख रहे हैं शाम के समय यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत रोशनी की जाती है। 5 शिष्य बैठे हैं और बुद्ध जी यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। चलिए अब आगे आपको ले चलते हैं। शानदार हाईवे वाराणसी जौनपुर हाईवे, इस जगह से जौनपुर 49 किलोमीटर है, आगे में उन्नाव और ये मैं आपको ले चल रहा हूँ बाबतपुर हाईवे के नीचे से। लेकिन जितनी शानदार सड़कें होती हैं उतना ही सफ़र आसान भी होता है और असुरक्षित भी होता है, उसका कारण तेज गति से वाहन चलाना। चलिए अब आ गए हैं मेन हाईवे में, यहाँ से ये हाईवे जाकर मिल जाएगा और आगे बाबतपुर। साथ में इन सभी पाम के पेड़ों पर काफ़ी सुंदर सुंदर
रंग बिरंगे लाइटें की गई हैं और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जैसा कि आप देख रहे हैं डिवाइडर पर, ये बनारस में काफ़ी जगह पर लगाया गया है। इधर देखेंगे तो यहाँ भी सफाई पर विशेष ध्यान, यानी कि बनारस में जगह जगह आप देखेंगे तो सफाई, जैसे यहाँ भी आप देखेंगे तो ये भी सफाई काफ़ी ज़ोरदार। ये उत्कर्ष टावर है और यहाँ पर आप देखेंगे उत्कर्ष टावर के पास में काफ़ी सजावट की गई है, G20 का लोगो और ये है उत्कर्ष टावर, काफ़ी बड़ा और भव्य दिखाई देता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इधर देखेंगे, इधर है इंडियन गैस, यहाँ पर काफ़ी बड़ा स्टेशन है इंडियन गैस का, ऑयल का। क्या देख रहे हैं, नमस्ते वाराणसी बोर्ड पर लिखा हुआ KJ कॉलेज ऑफ फार्मेसी। और जौनपुर 44 किलोमीटर, सुल्तानपुर 135 और लखनऊ 269 किलोमीटर। दोस्तों ये नारियल का पेड़ मैंने आपको दिखाया था, इस पर रात को काफ़ी खूबसूरत रोशनी की जाती है, पीला हरा लाल, और ये सभी आर्टिफिशियल यहाँ पर नारियल के पेड़ लगाए गए हैं, क्योंकि इस तरफ बड़े पेड़ थे नहीं, तो इसीलिए इन पेड़ों को लगाकर उस पर आकर्षक लाइटिंग की गई है। ये आप देख रहे हैं ये पेड़ इस प्रकार के लगाए गए हैं। चलिए हम आ गए हैं बाबतपुर और यहीं से दाहिने तरफ बाबतपुर के लिए मुड़ना है। फिलहाल इस मार्ग में आप देख रहे हैं तैयारी चल रही है। अब इधर से हमको दाहिने तरफ मुड़ना है और यहाँ से करीब 1 किलोमीटर बाबतपुर वाला मार्ग है और इस मार्ग का विशेष तौर पर काफ़ी इस मेंटेन किया गया है। ये आप देख रहे हैं इस मार्ग के ये रॉयल्टी इस तरफ जौनपुर आगे की तरफ, और ये आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री। फिलहाल ये G20 जिसके लिए सभी तैयारी चल रही है, आकर्षक रूप से सजावट। और ये मार्ग आगे तक मैं चल के आपको दिखाता हूँ इस मार्ग में किस प्रकार की सजावट की गई है। देख रहे हैं रेलिंग दोनों तरफ कंप्लीट हो चुका है और रोड के बीचों बीच आकर्षक डिवाइडर। और लाइट की भरपूर व्यवस्था बीचों बीच हेरिटेज लुक में। ये सभी दृश्य आप देख रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी में, हाईवे से 1 किलोमीटर दूर ये मार्ग के रास्ते में किस प्रकार की सजावट की गई है। देख रहे हैं फुटपाथ है, रेलिंग है और नाली डिवाइडर, पहले ये सब नहीं था लेकिन G20 ने काशी की सूरत बदल दी है। यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो ये बैनर, आकर्षक बैनर, और आगे में 20 देशों के झंडे, ये सभी इस मार्ग पर आपको दिखाई देंगे। ये आप देख रहे हैं
20 देशों के आकर्षक झंडे और सामने में ही G20 का बड़ा सारा बोर्ड देख रहे हैं। इंटरनेशनल हवाई अड्डा बाबतपुर का ये दृश्य है जहां पर इस प्रकार के झंडे लगाए गए हैं 20 देशों के। और इस तरफ आपको दिखाऊं तो ये आकर्षक बस स्टॉप और ये पुलिस सहायता केंद्र, और जैसा कि आप देख रहे हैं रेलिंग। और इस तरफ लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी जाने का मुख्य मार्ग देख रहे हैं। एक तरफ इस प्रकार के फुटपाथ बने हैं और बीचों बीच ये सड़क के डिवाइडर। वाराणसी की तरफ जाते हुए ये सभी दृश्य आप देख रहे हैं। बाबतपुर से वाराणसी की तरफ दोस्तों इस वीडियो में आप दो दृश्य देखेंगे। पहला तो GoPro 11 से शूट किया हुआ और दूसरा सैमसंग के गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। और दोनों की क्वालिटी में क्या अंतर है वो आप कमेंट बॉक्स में देखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल हम चल रहे हैं बनारस की तरफ और वहाँ आपको दिखाते हैं रास्ते में किस प्रकार की सारा सच्चा है। देख रहे हैं रास्ते भर यहाँ पर काम चल रहा है, साफ सफाई का दिन। बड़े अपार्टमेंट तैयार हो रहे हैं बनारस में भी, जैसा कि आप देख पा रहे। और इधर देखेंगे तो ये डिवाइडर पर आकर्षक पेंटिंग की गई है। रंग बिरंगे झंडे और ये आकर्षक पेंटिंग, ये सभी आप देख रहे हैं बाबतपुर जाने वाले मार्ग का, जहाँ से विदेशी मेहमान आएंगे काशी। आगे में ही संत अतुलानंद चौराहा है और उस चौराहे पर भी काफ़ी सजावट की गई है। तो चलिए उसको दिखाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं ये आ गए हैं संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल और यहीं पर चौराहा। और इस चौराहे पर काफ़ी आकर्षक तरीके से सजावट की गई है। फिलहाल आप देख रहे हैं ये सभी झंडे और आगे में ही आपका ये चौराहा है जहां पर आकर्षक ग्लोब बनाया गया है। यह है आपका सर्किट हाउस वाला इलाका है। रात में काफ़ी आकर्षक दिखाई देता है ये जगह। ये आप देख रहे हैं बाएं तरफ सर्किट हाउस। आकर्षक लोगो लगा हुआ है डिवाइडर के बीचों बीच। देखते हैं कचहरी चौराहा। अंबेडकर चौक